हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम, मैंने फंक्शन का प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप देख लीजिए इसको ध्यान से। और अब जब मैं इसको यहाँ से कंपाइल करवाता हूँ तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर जब इसे रन करवाया तो ये सक्सेसफुली रन भी हो गया। अब इस फंक्शन का फ़ायदा क्या है, यहाँ पर लिखा मैंने 7, यहाँ पर लिखा 9, ये दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है 9 हो गया। अब यहाँ पर अगर हमको बार बार यही एडिशन करने की ज़रूरत है तो हमें यहाँ पर लिखना होगा ऐड, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल कर लेना है हमें, कॉल कर लेने से हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर ऐड दो बार लिख दिया हमने, अब ये क्या करेगा, इसी फंक्शन में दो बार ऐड करेगा। यानी कि यहाँ पर अगर मैं इसको कंपाइल रन करवाता हूँ, ये कंपाइल करवा दिया हमने, फिर यहाँ से रन करवा दिया, तो जैसे ही कंपाइल रन करवाया मैंने तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं अब 7 और 9 लिखता हूँ तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब फिर एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर लिखता हूँ 9 8 9 लिखता हूँ तो फिर ये 17 आ जाएगा, ठीक है देख सकते हैं। अब इसका ये फायदा हो गया कि जितनी बार मेरी मर्जी होगी उतनी बार मैं इसको ऐड करवाऊंगा, जितनी बार लिखूंगा उतनी बार, मतलब जितनी बार कॉल करूंगा उतनी बार ये ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिख दिया ADD ऐड, कुछ इस तरीके से ऐड लिख दिया, क्योंकि ऐड ही नाम दिया है हमने, तो ये ऐड लिख देंगे, बस इसको बंद करेंगे, यहाँ से टर्मिनेट करेंगे, बस हो गया काम आपका। अब यहाँ से जाइए इसको सेव कर दीजिए, सेव करने के बाद यहाँ से कहाँ जाना है, सीधा जाना है बिल्ड पे, कंपाइल करवा देना है और फिर यहाँ से इसको रन करवा दीजिए। जैसे ही रन करवाएंगे तो यहाँ एंटर 2 नंबर लिखा हुआ आ ही रहा है, यहाँ पर 8 लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 5, ये दो नंबर्स को ऐड कर देगा, फिर लिखा हुआ आ रहा है, फिर यहाँ लिखता हूँ 8, फिर लिखता हूँ 9, तो ये दो नंबर्स को ऐड कर देगा, फिर यहाँ आता हूँ, फिर लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि 3 बार कॉल किया ना तो 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पे 2 बार इसको ऐड कर दिया तो यहाँ 110 आ गया। तो जितनी बार आप कॉल करेंगे उतनी बार ये ऐड कर देगा, फंक्शन का यही तो एडवांटेज है। अब इसको पूरा डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाता हूँ जिस पर आपको ये पूरी बात समझ में आएगी, ये कोड ब्लॉक्स के ऊपर फंक्शन मैंने बनाया था, ठीक है।